हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज कुछ कॉन्टिनेंटल डिश बनाते हैं, जैसे कि क्रीमी गार्लिक चिकन ब्रेस्ट। अगर आप चिकन के वही पुराने डिशेस खाते खाते बोर हो गए हो और कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी जितना टेस्टी है इसे बनाना उतना ही आसान है। आप रात के डिनर में इसे झटपट बना के एज अ प्रोटीन सोर्स इसे खा सकते हो। तो चलिए इसे बनाने से पहले देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। और ये रहा आज की रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स। अब वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले कुछ इस तरह चिकन को क्रिस क्रॉस वे में काट लेंगे। क्योंकि हम चिकन को झटपट बना रहे हैं इसीलिए हमें इसे पहले से मैरिनेट करके नहीं रखा है, इसीलिए ही चिकन को क्रिस क्रॉस वे में काट रहे हैं ताकि सारे मसाले और फ्लेवर इसके अंदर चला जाए और ये सॉफ्ट और जूसी भी बन जाए। लेकिन ध्यान रखिए ये एकदम नीचे तक ना कट जाए। देखिए ये काटने के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल देंगे और उसके बाद 2 क्यूब्स ऑफ बटर और इसे धीमी आंच में मेल्ट कर लेंगे। हम गैस को मीडियम फ्लेम में रखकर चिकन को फ्राई करने के लिए इसमें रख देंगे। अब ऊपर से ब्लैक पेपर और सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे। गैस को धीमी आंच में ही रखना है, नहीं तो बटर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और चिकन भी ठीक से नहीं पकेगा। चिकन एक तरफ से पक चुका है, अब हम इसे पलट देंगे। अब दूसरे साइड में भी ब्लैक पेपर और सॉल्ट को स्प्रिंकल कर देंगे। इसे दोनों साइड से पकने में लगभग 6 मिनट लगता है। ये पक चुका है, अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे। अब हम इसमें फिर से 1 क्यूब बटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून करके मिंस्ड ऑनियन और गार्लिक डाल देंगे और इसे 15-20 सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे। अगर आपको इसे हेल्दी वे में बनाना है तो आप इसे सिर्फ ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हो। अब हम इसमें लगभग आधा कप पानी डाल देंगे ताकि ऑनियन और गार्लिक ओवरकुक ना हो जाए। अब हम इसमें चिकन स्टॉक पाउडर डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चिकन स्टॉक भी डाल सकते हो, लेकिन तब आपको पानी नहीं डालना है। अब हम इसमें थोड़ा लेमन जूस, थोड़ा पार्सले और थोड़ा ऑरिगेनो डाल के मिला लेंगे। ये एक हाई कैलोरी हाई प्रोटीन फूड है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो इसे ऑलिव ऑयल में बनाकर खाइए। हाई प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर देगा जो आपकी एक्सेस कैलोरी को बर्न करने में हेल्प करेगा। ऐसे ही छोटे बड़े न्यूट्रिशनल टिप्स जानने के लिए आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हो। अब इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ऊपर से थोड़ा सा जायफल ग्रेट करके स्प्रिंकल कर देंगे। ध्यान रखिए ये थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा डालने से ये कड़वा हो जाएगा। अब फ्राइड चिकन को इसमें डाल देंगे और चिकन से जो जूस निकला है उसको भी इसमें डाल देंगे। ये जो क्रीमी ग्रेवी है इसे चिकन के ऊपर थोड़ा सा फैला देंगे। अब गैस को लो फ्लेम में रखकर इसे ढककर 10 मिनट के लिए पका लीजिए। देखिए ये देखने में कितना क्रीमी और अच्छा लग रहा है, तो सोचिए खाने में ये कितना अच्छा होगा। जाते जाते इसके न्यूट्रिटिव फैक्ट्स को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।